आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि पूर्णा यूनिवर्सिटी का पार्ट थर्ड में आप फॉर्म फिलअप कैसे कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको इस पेज में आना होगा, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ अपना रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करेंगे, जो आपका पार्ट वन पार्ट टू का एडमिट कार्ड में लिखा हुआ है। उसके बाद आपको यहाँ पासवर्ड फिल करना होगा, पासवर्ड की जगह पासवर्ड फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ से अपना इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करेंगे, या RDS कॉलेज लिखेंगे इस तरह, तो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद ये वाला कैप्चा को यहाँ पे फिल कर देना है और लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपका यहाँ पे डैशबोर्ड खुल करके आ जाएगा, यहाँ आपका नाम आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे एक्स रेगुलर रजिस्ट्रेशन, इसके ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा। सबसे पहले यहाँ से आपको सिलेबस चूज़ करना होगा 2020, और बैच यहाँ आपको 20-23 सेलेक्ट कर लेना है, और सेशन भी आपको यहाँ 22-23 सेलेक्ट करना है। कोर्स आपका यहाँ BA आ जाएगा, जो भी आप लिए हैं। उसके बाद डिसिप्लिन में आपका यहाँ पॉलिटिकल साइंस आ जाएगा, आप जो लिए थे वो यहाँ पे आ जाएगा। ईयर में आपका यहाँ पे थर्ड आ जाएगा। उसके बाद यहाँ टेम्पलेट्स के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा। टेम्पलेट्स के ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपको एक नया टैब में रिडायरेक्ट कर देगा, यहाँ आपका पूरा फीस आ जाता है, सब कुछ यहाँ पे अपलोड किया हुआ आता है। आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपना यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ फिल करना है। चलिए हम यहाँ कैलेंडर से अपना डेट ऑफ बर्थ फिल कर लेते हैं। इन सबको फिल करने के बाद आपका यहाँ पे नीचे एड्रेस आ जाएगा, यहाँ पे ईमेल आईडी आएगा। उसके बाद आपको यहाँ प्रीवियस एग्जाम का डिटेल्स को फिल करना होगा कि आप पिछले साल कौन सा एग्जाम दिए। जैसे कि मैंने पार्ट टू दिया तो यहाँ पे पार्ट टू लिख देंगे इस तरह। उसके बाद कौन सा साल आप दिए, तो हम यहाँ 2022 में दिए थे, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। और रोल नंबर क्या था वो यहाँ पे फिल कर देंगे। उसके बाद कितना मार्क्स आया है वो यहाँ पे फिल कर देंगे इस तरह से, जो आपका TR में लिखा हुआ आता है। उसके बाद यहाँ सेव आइकन पे क्लिक करेंगे और इसको यहाँ से सेव कर देंगे, तो आपका पूरा डिटेल्स यहाँ पे सेव हो जाएगा। उसके बाद आपको पेमेंट करना होगा, तो पेमेंट करने के लिए यहाँ इसको टिक किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। पे के ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपके सामने पेमेंट पेज आ जाएगा, यहाँ आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI किसी से भी कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ UPI सेलेक्ट करेंगे और यहाँ अपना UPI ID नंबर डालेंगे, तो आपका यहाँ पे नाम आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जो भी UPI ID डाले हैं उसी ऐप में आपका एक नोटिफिकेशन जाएगा, उसको वहाँ से ओपन करेंगे और अपना पेमेंट नोटिफिकेशन को वहाँ से एक्सेप्ट जैसे करेंगे, पेमेंट को क्लियर करेंगे, तो यहाँ भी आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। चलिए सबसे पहले हम यहाँ से अपना UPI पिन डाल के अपना पहले पेमेंट कर लेते हैं। जैसे कि देखिए मैंने यहाँ पेमेंट डाल दिया है, जैसे कि देखिए मैंने यहाँ पे पेमेंट सक्सेसफुल कर दिया है, मुझे वहाँ अभी रिडायरेक्ट नहीं किया है, तो ये मुझे अभी कुछ देर वेट करना है, मुझे रिडायरेक्ट कर देगा। जैसे कि देखिए मेरा यहाँ पे रिडायरेक्ट होकर के पेमेंट सक्सेसफुल भी हो चुका है। इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यहाँ ऑनलाइन पेमेंट स्टेटस में यहाँ सक्सेस दिखा रहा है, ट्रांजेक्शन आईडी ये वाला है। चलिए हम यहाँ प्रिंट एप्लीकेशन इसके ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और अपना एप्लीकेशन कॉपी को यहीं से प्रिंट करके रख सकते हैं। अगर आपके पास कस्टमर है तो उसको कस्टमर को भी प्रिंट करके आप यहीं से दे भी सकते हैं। सो आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और इस तरह का इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।